नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली में धन की हानि के क्या योग होते हैं, किस प्रकार धन की हानि के योगों को देखा जाता है। बहुत ही सरल तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, यह होता है कुंडली का दूसरा भाव। दूसरे भाव को धन भाव भी कहा जाता है। दूसरे भाव से व्यक्ति के धन को देखा जाता है, धन की स्थिति को देखा जाता है। दूसरा भाव व्यक्ति के संचय को बताता है, उसकी सेविंग को बताता है। और जो राशि दूसरे भाव में हो उस राशि का स्वामी ग्रह दूसरे भाव का स्वामी बनता है। जो भी राशि दूसरे भाव में हो, दूसरे भाव के स्वामी को धनेश भी कहा जाता है, द्वितीयेश भी कहा जाता है और दूसरे भाव का स्वामी भी कहते हैं। अब देखिएगा, उन योगों को देखने की कोशिश करते हैं जिनसे व्यक्ति को धन का नुकसान या धन की हानि होती है और कब होती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिएगा, यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी या तो छठे भाव में बैठा हो या फिर आठवें भाव में बैठा हो या फिर बारहवें भाव में बैठा हो, देखिएगा, यह कुंडली का छठा भाव होता है, यह कुंडली का आठवां भाव होता है और यह कुंडली का बारहवां भाव होता है। जो राशि छठे भाव में हो उसका स्वामी षष्ठेश, छठे भाव का स्वामी। जो राशि आठवें भाव में हो उस राशि का स्वामी ग्रह अष्टमेश, आठवें भाव का स्वामी। और जो राशि बारहवें भाव में हो उसका स्वामी कहलाता है द्वादशेश, बारहवें भाव का स्वामी। अब योग को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने देखा कि दूसरे भाव का स्वामी या तो छठे भाव में हो या फिर आठवें में हो या फिर बारहवें में हो, इन तीनों में से किसी भी भाव में बैठा हो, या फिर छठे भाव का स्वामी या फिर आठवें भाव का स्वामी या फिर बारहवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो, या फिर दूसरे भाव में पापी ग्रह बैठे हो। यहां पर पापी में हम नैसर्गिक अशुभ ग्रहों को लेंगे। नैसर्गिक अशुभ ग्रहों में मंगल महाराज, शनि महाराज, राहु महाराज, केतु महाराज तथा क्रूर ग्रह सूर्य महाराज आते हैं। या फिर दूसरे भाव का स्वामी पापी ग्रह या ग्रहों के साथ में बैठा हो, पापी ग्रह एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इन योगों में धन की हानि का योग बनता है। दूसरा भाव तथा दूसरे भाव का स्वामी ग्रह पीड़ित हो, अशुभता हो, इससे धन की हानि, संचय की हानि व्यक्ति को उठानी पड़ती है। अब यह धन की हानि कब हो सकती है? यदि कुंडली में छठे भाव, आठवें भाव या बारहवें भाव के स्वामी की महादशा हो और दूसरे भाव के स्वामी की अंतरदशा हो, या फिर दूसरे भाव के स्वामी की महादशा हो और छठे भाव या फिर आठवें भाव या फिर बारहवें भाव के स्वामी की अंतरदशा हो, या फिर जो पापी ग्रह दूसरे भाव में बैठे हैं उसकी महादशा हो और दूसरे भाव की अंतरदशा हो, या फिर दूसरे भाव के स्वामी की महादशा हो और उस पापी ग्रह की अंतरदशा हो जो दूसरे भाव को या दूसरे भाव के स्वामी को पीड़ित कर रहा है, तो व्यक्ति को धन हानि या धन का नुकसान हो सकता है। यहां पर दूसरा भाव तथा दूसरे भाव का स्वामी पीड़ित होना चाहिए। बहुत सरल नियम है,
आप आसानी से इसे जन्म कुंडली में देख सकते हैं। और भी बहुत सी बातें हमें देखनी चाहिए, परंतु हमने कुछ सरल सरल बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आशा करता हूं कि मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।